तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके आपके हर एक एनसीआरटी का, का एक जो डिबेट है ना वो बहुत टाइम से चलता आ रहा है ठीक है तो सबसे पहले उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि मैम न्यू एनसीआरटी फॉलो करेगी ओल्ड एनसीआरटी फॉलो करें माई डियर स्टूडेंट्स आंखें बंद करके तुम्हारा आंसर होना चाहिए न्यू एनसीआर आप मेरे साथ अग्री करने चाहिए हो क्योंकि लाइव प्रूफ तुम्हें मिला है मुझे नहीं लगता इससे बेटर प्रूफ मिल सकता था अभी अभी नीच 2024 में फिजिक्स का एक क्वेश्चन था बेटा जिसमें न्यू में आंसर अलग था ओल्ड में अलग था और न्यू एनसीआर वाले आंसर को सही माना गया है कोई बोनस मार्क्स नहीं मिले तो इससे समझ आ गया न्यू एनसीआर फॉलो करनी है यस करनी है बेटा अगला क्वेश्चन मुझे पता है क्या आ रहा है मुझे पता है क्या आ रहा है मैम कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो सिलेबस के अंदर तो है लेकिन न्यू एनसीआरटी में तो है ही नहीं लेट्स टेक एन एग्जाम्पल केमिस्ट्री की बात करूं तो बेटा पी ब्लॉक एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में तो है लेकिन न्यू एनसीईआरटी में है ही नहीं तो स्टूडेंट्स को लगता है कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है तो पेपर में नहीं आएगा माय डियर स्टूडेंट्स वो डेफिनेटली आएगा ठीक है यस yes. तो अब मैम हम ऐसे के लिए क्या करें तो माय डियर स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आपको कुछ सोल्यूशन देने वाली हूँ बट आई वुड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा होगा बट आपको न्यू एनसीआर ही खरीदनी चाहिए हमें वो फिजिक्स वाली मिस्टेक नहीं करनी है दोबारा इसलिए ओल्ड को नहीं रेफर करना ठीक है

Uh, कॉफी का मग लेके बैठी हूँ उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो मेरा ओरिजिनल uh, uh, टेलीग्राम है ठीक है मैं वहां पे बेटा ओल्ड एनसीआर की वो पीडीएफ शेयर कर दूंगी जो जो टॉपिक्स तुम्हारे न्यू एनसीआरटी में नहीं है तो तुम न्यू एनसीआर को रेफर करो और उस पीडीएफ को रेफर करो एंड एवरीथिंग इज डन तुम्हें उसके अलावा और कुछ एफर्ट्स नहीं करने हैं ठीक है यस yes. तो बस ये टेलीग्राम पे जाना एंड यू विल गेट दैट परफेक्ट यस तो ये डाउट क्लियर हो गया यस yes. मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको मेरा टेलीग्राम मिल गया अगर नहीं मिला तो मैं वहीं पे आपको रिप्लाई करूंगी ताकि आपको हेल्प मिल सके ठीक है यस yes. इसके बाद में क्वेश्चन आएगा कि मैम सिलेबस को कैसे रेफर करें सिलेबस ही नहीं पता तो बेटा आज मैं आप लोगों को एक सिलेबस का पूरा कंप्लीट पीडीएफ दे रही हूं ठीक है जो आपको एक्चुअली उसी के स्टिक करके तुम्हें अपनी तैयारी करनी है ठीक है क्योंकि इधर उधर नहीं भागना है बहुत सारी किताबें होती है बहुत सारी चीजें हम कर लेते हैं पर बेटा टाइम वेस्ट ही होता है ठीक है यस तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यहां पे आपके पास में पीडीएफ है ये पूरी पीडीएफ है ये सिर्फ केमिस्ट्री की के नहीं फिजिक्स की केमिस्ट्री की बायो की पूरी पीडीएफ है बेटा अभी तक हमारे पास नीट ट्वेंटी का अपडेटेड सिलेबस है ठीक है यस अब ये ट्वेंटी में भी 99.9% uh, सेम ही रहने वाला है। अब इसमें दोबारा से थोड़ी चेंज करेंगे। अभी पिछले साली तो चेंज किया, ठीक है? थीके? और शायद इसी आए है, के. तो इस को तो अब चेंज नहीं किया जाएगा तो ये सिलेबस की पीडीएफ है पूरी की पूरी जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और यहां पे मैं आपको ध्यान से न, ये देखो, है आपके में, तो सिलेबस को देखते हुए अपनी तैयारी करो चाहे तुम नीट की तैयारी चाहे तुम फिजिक्स की तैयारी करो केमिस्ट्री की बायो की बेटा सिलेबस को देख के तैयारी करो ठीक है ये पूरी पीडीएफ में तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी इसमें फिजिक्स बायो केमिस्ट्री पूरा का पूरा सिलेबस है नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वाला ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में भी नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट सेम ही सिलेबस रहेगा अगर कुछ भी चेंज आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगी बट फॉर द टाइम भी हमें ऐसे ही तैयारी करनी है बेटा ठीक है यस परफेक्ट है ये भी क्लियर हो गया कि सिलेबस को देख के तैयारी करेंगे इसकी पीडीएफ मैम ये कहाँ मिलेगी बेटा ये भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी अगर आपको चाहिए कोई किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है लिंक नहीं मिल रहा है टेलीग्राम नहीं मिल रहा है जस्ट लेट मी नो ठीक है यस नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट इज माई डियर स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा अटेंशन है एग्जाम पैटर्न को लेके मैम ऐसे ही किसी ने अफवाह फैला दी है कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा दस हजार चीजें बोल दी और तुम लोग हो गए हो कंफ्यूज देखो बेटा अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है आपका पेपर ऑफलाइन ही होगा आपका पेपर ऑफलाइन ही होगा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है सो यानी कि मैम ऑफलाइन ही होगा इस साल तो पक्का ही ऑफलाइन होगा ये फ्यूचर में हो सकता है ये फ्यूचर में हो सकता है कि ऐसा कर दे कि यार प्रीलिम्स जो है जो आपका दो स्टेजेस uh, में आपका टेस्ट हो जाए जैसे जेई होता है ठीक है यस की प्रीलिम्स प्रीलिम्स हो हो जाए ऑफलाइन क्योंकि बेटा 27 28 लाख बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए ऑनलाइन कंडक्ट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा तो हो सकता है पहला पेपर ऑफलाइन हो ठीक है उससे कुछ सिलेक्ट हो बच्चे ठीक है और फिर उनका कुछ मेन्स टाइप का हो और वो ऑनलाइन हो दिस इज अ पॉसिबिलिटी अगेन आई एम सी दिस इज अ पॉसिबिलिटी ठीक है तो हमें इस तक जाना नहीं है और नीट 2025 वाले तो 100 श्योर ऑफलाइन ही होगा अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आए तो यही होगा ठीक है यस अब बेटा आप जब अपनी प्रिपरेशन करते हो तो आपको अपना 110 परसेंट देने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है एंड माइ डियर स्टूडेंट्स वो प्रॉपर गाइडेंस आपको एक ऑर्गेनाइज कोर्स से मिल सकती है जिसमें आप तैयारी भी बहुत अच्छी करो बेटा और आपकी यू नो टाइम भी ना वेस्ट हो तो ऑर्गेनाइज कोर्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं बच्चे अभी वो टाइम है जब आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हो राइट यस फिनिक्स प्रो बैच बेटा अभी अभी स्टार्ट हुआ है एंड यू कैन गो फॉर इट फिनिक्स प्रो बैच जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइव ट्रिपल नाइन के अंदर आपको अभी मिल रहा है ठीक है लाइव बैचेस हैं बढ़िया से अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ो और अपनी क्लास लो इसमें मैम फीचर्स क्या क्या मिलने वाले बताती हूँ अगर आप ए सी फाइव कोड यूज करते हो ए फॉर अनुष्का सी फॉर चौधरी फाइव की पावर तो बेटा आप जो हैं फाइव की पावर से मेरा कहने का मतलब है ए सी और फिर फाइव ही लिखना है ठीक है यस yes. तो ए सी फाइव अगर आप कोड यूज़ करते हो तो आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में आएंगे मैं आपको यू नो जूम कॉल के थ्रू हमारे सेशंस होंगे आई विल बी गाइडिंग यू उट द ईयर ऑल्सो आपको माइंड मैप्स मिलेंगे आपको और बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत बेटर करेंगे ठीक है इसके अलावा बेटा फीनिक्स प्रो बैच में आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको एक्सेस मिलेगा स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में आपको मेंटरशिप सेशन मिलेंगे यू you नो know, जो पुराने नीट टॉपर्स हैं उनके साथ आप प्रैक्टिस सेशन उनसे आप यू नो मेंटरशिप सेशन ले सकते हो कि कैसे हम तैयारी करें ऑल्सो बेटा आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ मेंटरशिप सेशन ले सकते हो आप मेरे साथ मेंशन ले सकते हो एंड द बेस्ट फीचर इज माई डेयर स्टूडेंट्स ऑल इंडिया

ऑफलाइन ही पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं बेटा सो दिस इज समथिंग जो मैं आपको बार बार स्ट्रेस करूंगी कि बेटा प्रिपरेशन को बेस्ट करना है अब अब और समय बर्बाद करने का समय बचा ही नहीं है बेसिकली हमारे पास तो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड यू शुड गो फॉर दी सब्सक्रिप्शन एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मैम मेरे को तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तैयारी मेरी हो चुकी है तो यू कैन डू दैट एज वेल मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कोई भी और दिक्कत है आई विल ब्रिंग द सोल्यूशन टू यू ठीक है यस टिल देन जस्ट कीप स्टार्टिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच